everyone, welcome to elementary gyan. In this video I am going to explain laws of chemical combination. Chemical combination ke liye kon kon se laws hote hain wo hum aaj is video mein discuss karne wale hain, lekin uske pehle hum discuss karenge what are chemical reactions. Chemical reactions kya hoti hain? to humne previous chapter mein study kiye the chemical changes, aur un chemical changes ko hi केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है. और केमिकल रिएक्शंस को हम विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि मैं किसी केमिकल चेंज की बात करूं, बर्निंग ऑफ कोल, तो बर्निंग ऑफ कोल क्या है? ये केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जब कोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो ये एक नया सब्सटेंस बनाता है जो कि क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये क्या है, केमिकल चेंज है. इसको हम एक इक्वेशन की हेल्प से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये केमिकल चेंज है. तो इस केमिकल रिएक्शन में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है. फर्स्ट तो क्या है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट. और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. और हम इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड वाले सब्सटेंसेस होंगे उनको तो क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है रिएक्टेंट. और जो राइट हैंड साइड वाले सब्सटेंस होंगे उनको कहते हैं प्रोडक्ट. तो ये थे केमिकल रिएक्शन. अब वो लॉज कौन कौन से होते हैं जो इन केमिकल रिएक्शन को गवर्न करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को स्टडी किया. क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स मीन्स होता है उनके मासेस को, उनके कंपोजिशन को. तो इस तरह के मेजरमेंट को साइंटिस्ट ने स्टडी किया. एंड दे कंक्लूड दैट उनको ये पता लगा कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं टेकिंग पार्ट बिटवीन द टू सब्सटेंसेस और मोर सब्सटेंसेस आर गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज. और उन्हीं लॉज को कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो वो लॉज कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जो एटम के एग्जिस्टेंस के लिए जो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो थ्योरी भी इन लॉज पर ही बेस्ड थी. तो ये लॉज कौन कौन से हैं? देयर आर टू मेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. टू लॉज हैं. फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. और इस लॉ को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. ये दोनों ही लॉ क्या होते हैं, सेम ही होते हैं. तो वैसे तो थ्री लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए. एक और लॉ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लेकिन उसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं. अभी नाइन्थ क्लास के लिए आपको टू ही लॉज स्टडी करने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. तो ये लॉज क्या होते हैं हम वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये लॉ क्या होता है? दिस लॉ डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है और प्रोडक्ट का मास है
उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमें इस लॉ से पता चलता है। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ वॉज गिवन बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोइने लेवोजियर। गिवन बाय एंटोइन लेवोजियर इन 1774। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है या जो प्रोडक्ट का मास होगा वो हमेशा उसके रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन The total mass of products is equal to the total mass of reactants. मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो उसका मास है सब्सटेंसेस का वो क्या रहेगा, वो कंजर्व रहता है और मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मैटर इज Neither be created nor destroyed. Matter ना तो create होता है ना ही destroyed होता है, मतलब उसका mass जो है वो हमेशा fix रहेगा, या जो reactant है जो जितने भी मास में वो कंबाइन कर रहे हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास हमेशा उतना ही रहेगा। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा था तो उसमें क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ कोल है। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों का जितना टोटल मास होगा उतना ही इस प्रोडक्ट का मास होगा। सो इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इसका मास कितना होना चाहिए, इन दोनों के मासेस का टोटल जो है उसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका टोटल कितना होगा, 2 प्लस 2 4 एंड 3 प्लस 1 4, 44 ग्राम। अब इसका मास हम देखते हैं, कार्बन का मास कितना होता है 12, एटॉमिक मास हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो हमने पढ़ा था कि कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। तो यहां से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें जो प्रोडक्ट का मास है वो उसके रिएक्टेंट्स के टोटल मास के इक्वल है। इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को या लाइमस्टोन को हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, इसको जब हीट किया जाएगा तो ये डीकम्पोज हो जाता है टू डिफरेंट सब्सटेंसेस में,
एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और इसको बोलते हैं क्विक लाइम, और दूसरा कंपाउंड होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं इनका मास किसके इक्वल होना चाहिए, इस कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने हमारे रिएक्शन में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, तो इन दोनों का टोटल मास भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कैल्शियम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 40, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमने जब अभी कैलकुलेट किया है होता है 44। तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100 ग्राम, जो कि किसके इक्वल है, कैल्शियम कार्बोनेट के मास के इक्वल है। तो यहां से ये प्रूव हो रहा है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का मास होगा वो हमेशा उसके रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होगा। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, लेट अस सी। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, एंड दिस लॉ वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट इन 1779, गिवन बाय जे प्राउस्ट इन 1779। तो ये जो जोसेफ प्राउस्ट थे इन्होंने केमिकल कंपाउंड्स के कंपोजिशन को एनालाइज किया, और इस एनालिसिस से उनको ये पता लगा कि जो कोई भी केमिकल सब्सटेंस है वो हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और वो सेम एलिमेंट हमेशा एक सेम रेशियो में कंबाइन होते हैं या सेम प्रपोर्शन में मिक्स होकर उस कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनी केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मीन्स कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है वो हमेशा सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होगा, और वट एवर बी द सोर्सेज वो किसी भी सोर्स से या किसी भी मेथड से ऑब्टेन किया गया हो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका प्रोपोर्शन हमेशा सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, तो अगर हम टैप वाटर ले लें या रिवर वाटर ले लें या फिर सी वाटर ले लें या फिर बारिश का पानी ले लें, तो वाटर कोई सा भी होगा वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, और वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। वो प्रपोर्शन क्या होता है, वॉटर को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस प्रपोर्शन में हमेशा कंबाइन करेंगे, उनके मासेस का प्रपोर्शन क्या होगा, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है जो रिएक्ट कर रहे हैं, वाइल ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या रेशियो आएगा, 1:8। मतलब जो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे वो हमेशा इस फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे, या हम कह सकते हैं कि वाटर में 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बाय मास
एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है बाय मास। इसको हम एक और एग्जांपल की हद समझते हैं। ये तो था फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने अभी प्रीवियस लॉ में भी डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि जब हम कोल को बर्न करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। और हमने सेकंड एग्जांपल देखा था जब हम लाइमस्टोन को हीट कर रहे थे तब भी वो डीकंपोज होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा था। तो ये दोनों अलग अलग मेथड हैं और इन मेथड से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो हमेशा किसके बीच रिएक्शन से बन रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। मतलब ये हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के ही मिलकर बना है और इनका कंपोजिशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और वो कंपोजिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास कितना होता है? 12। एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16। और यहां पर क्योंकि 2 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो हम उसके मास को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आएगा हमारे पास रेशियो 12:32। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 3:8। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा इस प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे और इस प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में 3 पार्ट्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है हमेशा और 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, चाहे वो किसी भी मेथड से ऑब्टेन हो। तो ये थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट लॉ तो कहता है कि जो मास होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो हमेशा कंजर्व रहता है और जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उसके रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होता है। जबकि सेकेंड लॉ हमें ये कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जब फॉर्म हो रहा है तो वो हमेशा एक ही एलिमेंट से मिलकर बनेगा, मतलब सेम ही एलिमेंट से मिलकर बनेगा, और वो सेम एलिमेंट्स हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। सो आई होप आपको ये दोनों ही लॉज क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एलिमेंट्री ज्ञान। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। थैंक यू।